दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलन इनटू इट लोएस्ट टर्म। हमें इसको किस में करना है, लोएस्ट टर्म पे करना है। देखो लोएस्ट टर्म का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ये हमारा क्या 6 अपॉन कितना है 24 है, मुझे इसको काटना है 6 और 24 में। अब मुझे देखना है कि 6 में और 24 में किससे मैं डिवाइड करूँ, 6 को भी डिवाइड कर दूँ और एक ही टेबल में, एक ही टेबल से मैं दोनों को कैसे डिवाइड करूँ। तो हम देख रहे हैं अगर मैं 6 को 6 से डिवाइड करूँ तो ये पूरा कटेगा और इसको भी 6 से, मतलब मुझे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को एक ही टेबल में आना, एक ही नंबर से डिवाइड करना। तो 6 से हो रहा क्या आ रहा, 6 वन जा 6 आ रहा और 6 फोर जा 24, तो 1/4 हमारा क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गए। भाई हमने क्या किया, दोनों नंबर ये ध्यान रखना है कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एक ही नंबर से हमें डिवाइड करना है। जैसे हमारे पास 15 है, अब दूसरा देखो 20। भाई मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना जो 15 के टेबल में आता हो, जिसको 15 में भी और 20 में भी। तो अगर देखें 5 की टेबल, 15 में बता 5 3 15, 5 4 20, तो हमारा क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ऐसे देखो नेक्स्ट हमारे देखेंगे हम क्या है 8/10। मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना जो दोनों में आ जाए, तो 2 4 8 और 2 5 10, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा 4/5। ओके ऐसे देखो नेक्स्ट कितना है 15/12। एक नंबर ढूंढना जो जिसकी टेबल दोनों में आ जाए, मतलब जिसका दोनों से दोनों में डिवाइड हो जाए पूरा, तो 3 5 15 3 4 12, तो क्या होगा 5/4। ऐसे यहाँ देखो 18/45 है, क्या नंबर होगा कि दोनों के टेबल दोनों नंबर में आ जाए, किसके टेबल आएगी पहले 3 3 6 18 और 3 15 जा ये। अब लेकिन 6 और 15 फिर आ रहा 3 2 6 और 3 5 15, हमारा क्या है 2/5 हमारा क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा।